कैसे करें चेंज अपने जीमेल पासवर्ड को। सो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने जीमेल के पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मेन्यू ओपन करना होगा, वहां पर देखना होगा सेटिंग्स को, आप सर्च कर सकते हो सेटिंग्स। सेटिंग्स में जब आप अपने चले जाओगे थोड़ा स्क्रॉल करना होगा उसको। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन आया होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अकाउंट्स के बाद यहाँ पर गूगल का लोगो होगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको होम जहाँ पर लिखा है वहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। सिक्योरिटी पर आप चले जाओगे, जब सिक्योरिटी खुलेगी तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होगा इसको। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। पासवर्ड का क्लिक करने के बाद आपका जो ओल्ड पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर आपका न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है, आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। 8 करेक्टर का होना चाहिए और आप कुछ भी डाल सकते हो उसको। मैं यहाँ पर मैंने 8 करेक्टर का अपना पासवर्ड डाल दिया। अब इसको मैं चेंज पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। अब ये मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है, यो पासवर्ड वाज चेंज। अभी यहाँ पर भी लिखा होगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे इस फ़ोन में जो ID लॉगिन थी अब ये लॉग आउट हो चुकी होगी। अब दोबारा ये कंफर्मेशन को मांगेगा, ये मेरी ID लॉग आउट हो चुकी है। तो इसको मुझे दोबारा से साइन इन करना होगा, वेरीफाई करना होगा, ये साइन इन बात एक ही है। अब यहाँ पर मैं अपना जो न्यू पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था उस पर मैं क्लिक उसको मैं डालता हूँ। यहाँ पर मेरी जो मैंने न्यू ID अपना वो अपना पासवर्ड चेंज किया था उसी से मेरी ID खुल चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना।